मोबाइल नंबर 9771 2639। सीमांजलि के दरौंदा थाना इलाके के जलालपुर गांव में मौजूद है, जहां पे एक महिला जो है तीन उसे लापता है। हालांकि पीड़ित द्वारा दरौंदा थाने में आवेदन भी दिया गया है, कई दिनों से लोग खोजबीन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उस महिला का कुछ सुराग नहीं लगा हुआ है। आपकी जो माँ है लापता है, आज तीन चार रोज से उनका थोड़ा मानसिक संतुलन खराब है जी, जो कि तीन चार रोज से गायब है। तीन चार रोज से, मतलब कब से निकली हुई है ये? 18 तारीख को शाम को। अच्छा, घर से कुछ बोल के या अपने से? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं बोली है, अपने से निकल गई हैं, थोड़ा दिमागी संतुलन खराब है इसके लिए। अच्छा, आसपास कहीं पता वगैरह किए हैं कुछ? आसपास इधर अपने एरिया में चारों तरफ पता कर लिए हैं, लेकिन कहीं कुछ सुराग नहीं मिला। अच्छा, क्या पहनी हुई थी, कैसे कलर कपड़ा वगैरह पहनी हुई थी? वो साड़ी पहनी हुई है, कपड़ा का उतना क्लियर पता नहीं है क्योंकि मैं देखा नहीं हूँ जी। साड़ी पहनी हुई थी? हाँ। अच्छा, बात व्यवहार मतलब कैसी है, सांवला है, गोरा है, सब कुछ? अभी थोड़ा सांवला रंग है जी। वो ज़्यादा किसी से बात भी नहीं करती हैं जी। अच्छा, मतलब घर से बिना बताया निकल गई है, मानसिक तौर संतुलन खराब है जी। अच्छा, आवेदन वगैरह दिए हैं क्या थाना में? थाना में आवेदन दिए हैं जी। आसपास के इलाकों से क्या अपील कीजिएगा, तमाम चैनल के देखने वाले लोगों से क्या अपील कीजिएगा? मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि जहाँ भी वो दिखे थोड़ा हमको कन्फर्म करें, वो लोग हमको बताएं जी। कहाँ के घर महिला रहने वाली है? बावनागंज जलालपुर ग्राम पड़ेगा। बावनागंज जलालपुर रहने वाले, उनके हस्बैंड का क्या नाम है? वीरेश सिंह। उनका नाम क्या है? रीता देवी। रीता देवी। अच्छा, कुछ मोबाइल नंबर है और किसी को मिले तो कांटेक्ट कर सकते हैं? मोबाइल नंबर? हाँ, मोबाइल नंबर है 9771526369। अच्छा, किसी को मिले तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं? हाँ, इस नंबर बात हो। हाँ, जिसको भी थोड़ा दिखाई दे वो इस नंबर पर कांटेक्ट करें। रीता नाम है? रीता देवी। देखिए, स्क्रीन पे जो तस्वीरें चल रहा होगा, आपने देखा होगा साइड में एक तस्वीरें चल रहा है, वो वही महिला है जो तीन रोज से लापता है। हालांकि पीड़ित द्वारा अपने रिलेशन में खोज लिया गया है, आसपास के इलाकों में सभी जगह खोज लिया गया है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं लगा हुआ है। बताया जा रहा है कि महिला का जो दिमागी संतुलन होता है वो खराब है, उनका इलाज भी चल रहा था, लेकिन किस वजह से घर से निकली हुई भी कुछ खुलासा नहीं हो पाया है। हालांकि पीड़ित द्वारा थाना में आवेदन दिया गया है कि थाना के जो स्टाफ होते हैं, थाना के जो अधिकारी होते हैं, वो भी खोजबीन करें, लेकिन अभी तक कहीं से कुछ सुराग नहीं लगा हुआ है। खासकर मेरी भी अपील होगी तमाम सब्सक्राइबर से, तमाम देखने वाले लोगों से, कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि इस लड़की की माँ मिल सके, इस परिवार को जिस तरह गम में डूबा हुआ है खुशहाली आ जाए। तमाम लोगों से मेरी यही अपील होगी, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। जो नंबर मिला हुआ है, अगर कहीं भी इस महिला को कोई भी व्यक्ति देखे तो उस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। बौनागंज जलालपुर उनका प्रॉपर घर बताया, जो दरौंदा थाना इलाके में पड़ता है, थाना से महज 2 या 3 किलोमीटर दूरी पर एक गाँव है जो जलालपुर पंचायत के बौनागंज जलालपुर है। महिला का नाम रीता देवी है, वो साड़ी पहनकर घर से निकली हुई है।